नमस्कार दोस्तों, मारुति अल्टो 800 इसके मीटर बोर्ड के ऊपर में जितने भी इंडिकेशन आते हैं, वो जो फॉल्स इंडिकेशन आते हैं उसका रेमेडीज कैसे, उसको सॉल्व कैसे करें, ये वीडियो में मैं बताऊंगा। आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो ईपीएस का हो या इंजन चेक लाइट हो या कोई भी सिंबल हो, एनी फॉल्स सिंबल, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आपको ये वीडियो कंटिन्यू करना है, देखना है। ये आप देख सकते हो कि पहला वाला जो लाइट है यहाँ पे, ये इंजन लॉक का है। दूसरा है ईपीएस का है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का है। दूसरा जो सिंबल है वो ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अल्टो में जो ही व्हीकल के अंदर में इक्विप्टेड है तो उसमें ये रहेगा। पहला इंजन लॉक का, दूसरा ईपीएस का है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का। यहाँ ये ऊपर वाला जो टॉप में रेड वाला जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पहला वाला जो है वो ऑयल का है। इंजन के अंदर में जो ऑयल है उसका ये सिंबल दिखा रहा है, मतलब इंजन ऑयल लेवल जो है उसके साथ ये रिलेटेड है। तो सेकंड जो है दूसरा, उसके बाद वाला ये बैटरी का है। बैटरी का हेल्दी सिग्नल है, मतलब कि ये जो बैटरी जो है वो व्हीकल जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये सिंबल भी चला जाएगा। ये ऑयल प्रेशर वाला है वो सिंबल भी चला जाएगा। यहाँ पे तीसरा सिंबल जो है वो इंजन चेक लाइट का है, ये आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का। तो ये इंजन चेक लाइट का है, मीन्स अगर ये क्या रहता है कि स्टेडी अगर ऑन रहा तो देर इज़ ए नीड टू सर्विस इंजन। दूसरी एक बात है कि अगर ब्लिंक कर रहा है तो इसमें मैनुअल में तो ऐसा लिखा हुआ है कि इसको इमीजिएटली आपको सर्विस स्टेशन पे ले जाना है और चेक करवाना है। लेकिन दोस्तों ऐसा है कि ये जो है इंजन चेक वाला, वो सिंबल तब आता है, वो जो इंडिकेटर जो है वो तब आता है जब इसके ऑक्सीजन लेवल के अंदर में जब कंबशन होता है, व्हेन कंबशन टेक प्लेस इनसाइड द इंजन, सो व्हाट हैपन एट दैट टाइम, ऑक्सीजन परसेंटेज दैट इज वेरी इन द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के अंदर में जो फ्ल्यू गैस जो निकलता है, वो फ्ल्यू गैस के अंदर में ऑक्सीजन परसेंटेज अगर वेरी करता है, मतलब डिजायर्ड मात्रा में जो ऑक्सीजन लेवल आनी चाहिए वो फ्ल्यू गैस में नहीं है, तो फिर ये इंजन चेक लाइट आ जाती है। मीन्स के जो सेंसर लगा हुआ है ऑक्सीजन सेंसर, उससे रिलेटेड है। O2 सेंसर जो है इंजन का एग्जॉस्ट में लगा होता है, और इंजन का एग्जॉस्ट का O2 सेंसर जो है वो फ्यूल के अंदर में अगर कंबशन इफ नॉट टेक, बिकॉज व्हाट हैपन, कंबशन टेक प्लेस इनसाइड द इंजन, दैट इज द परफेक्ट नीड टू परफेक्ट कंबशन, परफेक्ट कंबशन चाहिए, देर इज ए ऑप्टिमम कंबशन टेक प्लेस, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, सम टाइम दिस इंडिकेशन वॉज अपीयर। सो मोस्ट प्रोबेबल के वो तो इसीलिए है कि इंजन का जो एग्जॉस्ट है, इंजन का जो एग्जॉस्ट है फ्ल्यू गैस जो है उसके अंदर में ऑक्सीजन लेवल जो है वो उसके साथ ये रिलेटेड है, तो इंजन चेक लाइट आ जाती है। तो इसको इंजन चेक लाइट जो है, ये इंजन चेक लाइट को अगर आपकी गाड़ी में भी अगर आ गया है तो दोस्तों एक चीज़ है कि ईसीयू जो है इंजन कंट्रोल यूनिट जो है वो ऑक्सीजन परसेंटेज जो रीड करता है तो उसे एक, मतलब ये एक वैल्यू रहती है, वो वैल्यू के बियॉन्ड जाता है तो फिर वो चीज़ जो है यहाँ पे ये इंडिकेशन आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल पे वो इंडिकेशन आ जाता है। तो क्या कहाँ, तो ईसीयू को रिसेट करना पड़ता है। हम अगर इसको ओबीडीआई में कनेक्ट करते हैं, ओबीडीआई में कनेक्ट करके स्कैन करके अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, मोबाइल के साथ भी कनेक्ट होता है ओबीडीआई से, तो वो इंडिकेशन चला जाएगा। एक तो ये मेथड है कि भाई इसको ओबीडीआई से ईसीयू के बाजू में ही रहता है ओबीडीआई पोर्ट के अंदर में ओबीडीआई की इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो लगा दीजिए, उसको ब्लूटूथ से मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लीजिए, उसके साथ एक ऐप रहती है और मोबाइल के अंदर में वो ऐप जो है, वो ऐप अगर आप उसमें मतलब इंस्टॉल कर दोगे और फिर जो एक्सेप्ट करते जाओगे तो ये इंडिकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब वो सेट हो जाता है वही वैल्यू के ऊपर में। सपोज़ आपका व्हीकल अगर चलता है पेट्रोल के ऊपर में, ठीक है, और पेट्रोल के ऊपर में ये इंडिकेशन नहीं आती है, और जैसे ही सीएनजी पे जाता है तो इंडिकेशन आ जाती है, या तो सीएनजी में कंटिन्यूस वो इंडिकेशन पड़ा रहता है। तो अब ये वो इंडिकेशन को रिमूव कैसे करें है, और अगर आपका व्हीकल सीएनजी पे भी नहीं है, पेट्रोल पे ही है, और पेट्रोल पे बीच बीच में कभी कभार आ जाता है ये इंडिकेशन जो है वो कभी कभार आ जाता है और कभी चला भी जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है या फिर कंटिन्यूस पड़ा रहता है और पेट्रोल फ्यूल भी चेंज नहीं है फिर भी ये इंडिकेशन है, तो उसको एक तो एक काम कर सकते हो कि 4-5 बार आप इग्निशन ऑन ऑफ करोगे तो अभी ये सेट हो जाता है, ये जो इंडिकेशन जो आता है वो सेट हो जाता है, क्योंकि ईसीयू के थ्रू वो इंडिकेशन आया है, जो लास्ट वैल्यू जो O2 की है वो रीड करके रखा है, इसके लिए वो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल पे वो उसके हिसाब से वो आ जाएगा। जैसे ही मतलब इंजन स्टार्ट करोगे तो वो इंडिकेशन है वो तुरंत आ जाएगा ऑक्सीजन लेवल रीड करते हुए। तो
उसको कहाँ तो इग्निशन ऑन ऑफ करो, एक 5-6 बार करने पे क्या हो जाएगा कि वो लेवल है वो सेट कर लेगा, वो ले लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो एक काम कर सकते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको रिमूव कर दीजिए, उसको रिमूव करके रहने दीजिए, थोड़ा 5-7 मिनट के बाद अगेन उसको कनेक्ट कीजिए तो भी ये इंडिकेशन चला जाएगा। तो ये 2-3 मेथड है, तीनों मेथड है मैंने बताया कि इंजन का चेक लाइट कैसे रिमूव करें उसके लिए। उसके नीचे वाला है हैंड ब्रेक का है, तो वो जो हैंड ब्रेक है उसको अगर पुल करके आप व्हीकल चला रहे हो तो वो जाएगा नहीं। तो दोस्तों ऐसा है कि जब भी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हो तो ये पैनल के ऊपर में एक हमें देख लेना चाहिए उससे क्या होता है कि अगर हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, हैंड ब्रेक जो है वो पार्किंग के लिए यूज होता है, तो हैंड ब्रेक व्हीकल जब रनिंग में है और हैंड ब्रेक अप्लाई है, मतलब कि रियर व्हील जो है उसके ऊपर ब्रेक लगी हुई है, हैंड ब्रेक रियर व्हील के ऊपर लगा रहता है, अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे उसका सिंबल है तो हमें मतलब उससे पता चल जाता है कि ब्रेक अप्लाइड है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर नहीं देखते हैं, मीटर बोर्ड पे नहीं देखते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ब्रेक अप्लाइड रहेगी और अपने जो लाइनर है, पहले तो पीछे जो है वो तो ड्रम ब्रेक है तो उसमें तो लाइनर रहेगा, तो लाइनर जो है वो घिस जाते हैं, फिर पार्किंग में भी वो व्हीकल जो है वो उतना इफेक्टिवली ब्रेकिंग नहीं रहेगा उसका। तो दोस्तों एक चीज़ है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख लेना चाहिए कि हैंड ब्रेक अप्लाइड है या नहीं है, अदर कोई इंडिकेशन अगर आ रहा है तो उसके लिए भी हमें चेक करना चाहिए कि क्यों आ रहा है। मेन चीज़ जो था वो इंजन चेक लाइट का था, ये इंजन चेक लाइट के बारे में मैंने बताया कि 3 तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। और ऑयल का जो सिम्बोल है पहला वाला, ये ऑयल सिम्बोल, तो उसके लिए तो इंजन का ऑयल लेवल जो है वो चेक करना चाहिए। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो सारे लाइट है वो इग्निशन, देखिए इग्निशन ऑफ किया तो सारे लाइट चले गए, इग्निशन जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, ये इग्निशन ऑन होने पे ये आप देखिए कि यहाँ पे सारे सिंबल जो है वो रिमेन वही कंडीशन में है, एक्सेप्ट ये कोने में यहाँ पे एक टेम्परेचर का सिम्बॉल आके चला गया यहाँ पे। अगेन मैं करता हूँ, देखिए ये मैंने इग्निशन ऑफ किया, ठीक है जी, और ये इग्निशन ऑन करने पे यहाँ पे एक सिंबल आया है, ये देख रहे हो, एज वेल एज साइड सिग्नल के इंडिकेटर्स के 2 सिंबल आ रहे हैं, एज वेल एज देखिए ये साइड सिग्नल इंडिकेटर्स है, ये भी साइड सिग्नल इंडिकेटर्स है, यहाँ पे एक टेम्परेचर का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, और ये बाकी के सिंबल्स यहाँ पे है। तो ये जो टेम्परेचर वाला है, अगेन मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे कैप्चर करने का, ये देखिए ये सिंबल जो है वो टेम्परेचर का है, जब इंजन जो है वो हीट हो जाता है, ओवर हीट होने पे वो टेम्परेचर वाला जो सिंबल है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये टेम्परेचर वाला जो सिंबल आ जाता है तो उस टाइम पे क्या करना है कि व्हीकल को साइड में कर देना है, इंजन थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है, और बंद करने के बाद फिर अगेन आप स्टार्ट करोगे तो ये जो टेम्परेचर वाला सिंबल है वो चला जाएगा, ये टेम्परेचर वाला सिंबल जो है वो चला जाएगा, तो व्हीकल स्टार्ट परमिशन ले लेगा, तो व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो आया इसीलिए है कि जो इंजन में कूलेंट है, इंजन के इंजन का जो वाटर जैकेट है उसके अंदर में जो कूलेंट सर्कुलेट होता है उसकी मात्रा कम हो गई, उसका लेवल कम हो गया है, या तो फिर आपका रेडिएटर जो है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है, मतलब कि चौक है, या मोटा मोटी तो यही होता है, मेजर कॉज तो वही है कि कूलेंट का लेवल नहीं है, तो उसकी वजह से ये टेम्परेचर वाला सिंबल आ जाता है। तो कूलेंट का लेवल भी अगर सही है, उसमें कूलेंट भी है, सब कुछ बराबर है, फिर भी आ रहा है, मतलब कि उसका जो थर्मोस्टेट स्विच है वो ऑपरेट नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से रेडिएटर के साथ जो लगा हुआ इलेक्ट्रिक फैन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक फैन नहीं ऑन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो जो सिंबल जो है, मतलब टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा, इंजन टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो यहाँ पे वो सिंबल आ जाता है, मतलब वो सिग्नल जो है टेम्परेचर वाला वो आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि व्हीकल जब ओवरहीट हो गया है तो उस टाइम पे आप व्हीकल का जैसे ही इग्निशन ऑन करोगे तो वो रेडिएटर फैन जो है वो चलना चाहिए। अगर वो हीट कंडीशन में भी सिंबल आया है और हीट कंडीशन में भी नहीं चल रहा है, मतलब कि उसका थर्मोस्टेट स्विच जो है फैन का
वो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या फैन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फैन जाम हो गया है या कुछ भी दूसरी कोई प्रॉब्लम है, मतलब एबनॉर्मल हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंजन का जो वाटर जैकेट वाला जो कूलेंट सर्कुलेशन जैकेट जो है उसमें जो कूलेंट सर्कुलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, क्योंकि रेडिएटर फैन जो है वो ऑन नहीं हुआ है, तो उसमें से जो हीट एग्जर्ट होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसकी वजह से ये ओवरहीट हो गया है। ओवरहीट होने की वजह से ये सिंबल आया है। तो हमें उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो व्हीकल को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देना है। व्हीकल ठंडा हो गया तो फिर उसमें कूलेंट अगर नहीं है तो टॉप अप कीजिए, अगर कूलेंट उसमें है, रेडिएटर कैप अगर ओपन कर दोगे गर्म में तो वो प्रेशराइज रहता है तो तुरंत ही उसको अपने पे आ जाएगा। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एडवाइजेबल नहीं है कि गर्म में इंजन गर्म कंडीशन के अंदर में हम रेडिएटर कैप को ओपन करें। ठीक है जी, तो चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, रेडिएटर कैप वगैरह दिखा देता हूँ, थर्मोस्टेट फैन वगैरह दिखा देता हूँ। बिफोर डैट मैं ये एक इंजन जो है उसको स्टार्ट कर देता हूँ, इंजन स्टार्ट करके बताता हूँ कि सिम्बल्स कौन कौन से रहते हैं और कौन से चले जाते हैं। तो चलिए मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए टेम्परेचर वाला सिंबल आके गया, बाकी के सारे सिंबल आके चले जाते हैं। ठीक है, अगेन मैं स्टार्ट करता हूं। ये देखिए सिर्फ हैंड ब्रेक का सिंबल पड़ा है यहाँ पे, बाकी सारे सिंबल चले गए हैं। हैंड ब्रेक का सिंबल है वो रहा है इसीलिए कि मैंने हैंड ब्रेक अप्लाई कर रखी है। ये देखिए ये जो हैंड ब्रेक है वो अगर मैं रिलीज करता हूँ, हैंड ब्रेक रिलीज करने के लिए क्या करना है, मुझे थोड़ा ऊपर पुल करना है, पुल करके ये वाला बटन है उसको नीचे दबाना है और इस तरह से छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे चला गया, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये आ गया। तो ब्रेक अप्लाई करके हमें व्हीकल ड्राइव नहीं करना है, नहीं तो पीछे के जो ड्रम ब्रेक है उसके लाइनर्स जो है वो घिस जाएंगे और पार्किंग में लाइट काम नहीं करेगी। तो ये है, और मैं इंजन में भी आपको वो जो रेडिएटर का जो कैप वगैरह है वो बता देता हूँ कि किस तरह से उसको चेक किया जाए। चलिए मैं इंजन बंद कर देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये मारुति अल्टो 800 है, उसका इंजन बे है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर का सिंबल आ जाता है तो हमें क्या चेक करना है, अगर टेम्परेचर का सिंबल आया है तो गाड़ी इंजन पहले कूल होने देना है, उसके बाद ही ये कैप खोलना है। जैसे मैंने बताया कि एज पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू प्रेशराइज होता है तो ये पूरा कूलेंट अगर अंदर है भी तो भी वो बाहर फेंक देगा। तो ये कैप जो खोलना है उसके लिए इंजन जो है वो ठंडा होना चाहिए, ठंड कोल्ड कंडीशन में ही इसको कैप को रिमूव करना है। तो ये कैप को रिमूव करने के लिए आपको जस्ट हाफ टर्न उसको घुमाना है और उठा लेना है, और जब भी अगर रिकैप करना है तो इसको इस तरीके से ये पोजीशन में रख के इसको अच्छे से घुमा दीजिए ताकि ये कैप बराबर फिट हो जाए। अगर ये कैप अगर बराबर नहीं लगाई तभी भी जब इंजन गाड़ी चलेगा इंजन गर्म होगा उस टाइम पे नॉर्मल हीटिंग में भी कूलेंट जो है वो बाहर फेंक देगा। तो ये है, तो सबसे ये कैप तब खोलनी है कूलेंट चेक करने के लिए। ये इसका रिजर्वायर टैंक है, ठीक है, ये रिजर्वायर टैंक के अंदर में कूलेंट टॉप अप करना होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी कूलेंट तो गाड़ी में है ही, टॉप अप की बात है तो आप इसमें आरओ वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर इसमें टॉप अप कर सकते हैं। ये टॉप अप करके टैंक का लेवल है मैक्सिमम मिनिमम, तो यहाँ जो मैक्सिमम लिखा है वहाँ तक आप इसको टॉप अप कर देना है। दूसरी बात, अगर ये तो कूलेंट लेवल चेक करने की बात हुई, दूसरी है कि इंजन जब हीट है तो उस टाइम पे जैसे ही इग्निशन ऑन करोगे तो फैन ऑन होना चाहिए। अगर फैन नहीं ऑन हो रहा है तभी वो ओवर हीटिंग हुआ है, हीट जो है एक्सेप्ट नहीं हुई है उसकी वजह से वो ओवर हीट हो गया। तो ये फैन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कहाँ तो उसको थर्मोस्टेट स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है, वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, फैन जाम हो सकता है, ऐसा कुछ भी कॉज है तो इसको नॉर्मल ऐसा मार के देखिए ऐसा ऐसा, तो क्या हो जाएगा कि अगर कुछ जाम वगैरह है या कुछ लूज कॉन्टैक्ट है तो ये पिकअप कर जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा है कि अगर फिर भी कुछ मतलब ये कूलेंट लेवल ओके है, फैन भी मारने पे भी नहीं चला और वायरिंग भी ओके है, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन अगर गाड़ी की कंडीशन के ऊपर वायरिंग डिपेंड करता है, बहुत ओल्ड व्हीकल है तभी वायरिंग की तो प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज नए व्हीकल के अंदर में अप टू द 5 ईयर्स की अगर लाइफ है तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो उसके लिए फिर क्या करना है कि फ्यूज़ बॉक्स है, अभी क्या करना है कि फ्यूज़ बॉक्स चेक करना है आपको। ये फ्यूज़ बॉक्स के अंदर में यहाँ पे देखिए पूरा फ्यूज़ का नंबर और वो किस पर्पस के रहे उसका क्या फंक्शन है वो दिया हुआ है, लेकिन ये हीट नहीं करने की ज़रूरत है, ये कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका इंजन ओवरहीट हुआ है तो इसमें से कोई भी फ्यूज़ जो है वो ब्लो ऑफ हो नहीं गया है वो हमें देखना है। तो इसमें सारे फ्यूज़ जो दिया है, ये फ्यूज़ पुलर भी दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से आप फ्यूज़ को पकड़ के पुल करना है और पुल करके देखना है कि कोई फ्यूज़ चला तो नहीं गया। तो फिर स्पेयर वाला फ्यूज़ है
वो स्पेयर फ्यूज जो है उसमें से एक फ्यूज जो भी अगर ब्लो ऑफ हो गया है तो उसमें आपको डाल देना है, ताकि वो रेडिएटर फैन जो है वो फंक्शन में आ सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रेडिएटर फैन नहीं चलने का रीज़न ये भी होता है कि फ्यूज चला गया होता है, तो ये चेक है उसका। इंजन चेक लाइट के लिए क्या करना है, इंजन चेक लाइट जो मैंने आपको बताया कि इसका जो बैटरी का टर्मिनल निकालना है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये रेड वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे प्लस का साइन भी रहता है, तो वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल के ऊपर में 10 नंबर का स्पैनर लेना है, और ये वाला जो ये नट जो मैं बता रहा हूँ ना, वो नट ऐसे ओपन करनी है, ठीक है। ऐसा नट ओपन करने के बाद ये टर्मिनल लूज कर देना है, ये नट ओपन कर दी, ठीक है, तो ये टर्मिनल ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इसको 5-6 मिनट रहने देना है और फिर अगेन इसको लगा देना है। तो इंजन चेक लाइट जो है वो चली जानी चाहिए, और जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट कर लेगी, O2 की जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये बैटरी टर्मिनल है उसको रिमूव करके 5-6 मिनट रहने देना है और अगेन उसको लगा देना है, ताकि ECU जो है वो रिसेट हो जाएगा इससे, और ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो वैल्यू नॉर्मल वैल्यू वो ले लेगा, या तो फिर अंदर जो पड़ी है वो वैल्यू एज ए सेट वैल्यू वो ले लेगा। तो इस तरह से इसको करना है। और बाकी चलिए फ्यूज बॉक्स को कैप कर देता हूँ। इतना ही दोस्तों कि इंजन चेक लाइट को कैसे रिसेट करें, वो टेम्परेचर का अगर इंडिकेशन आया है तो उसको कैसे एलिमिनेट करें, कैसे रिमूव करें, वो एक चीज़ है। वो दो चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी जो ऑयल लेवल जो है, ऑयल का सिंबल जो आता है, ऑयल प्रेशर, ऑयल लेवल के लिए यहाँ पे आपको इंजन का अगर ऑयल लेवल चेक करना है तो एक गेज लगा रहता है, वो गेज को आप ओपन करना है, गेज को खींच के बाहर निकालना है, वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम 2 मार्किंग होती है। तो वो जो गेज है उसके ऊपर जो मार्किंग रहती है, ये गेज यहाँ पे साइड पे लगा है, इसको आप जैसे जस्ट पुल कर लेना है, इस तरह से मैंने निकाला वो, ठीक है। ये गेज है, इसको यहाँ से मैंने निकाला है, तो इसके ऊपर में ये जो ब्लेड है यहाँ पे उसकी लेवल है, जो ये मिनिमम है सेंटर पे रहता है और एक मैक्सिमम रहता है, इसके ऊपर 3 लेवल दिखाया गया है। तो जनरली सेंटर पे होना चाहिए, सेंटर से नीचे नहीं, सेंटर से ऊपर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो व्हीकल CNG पे चलते हैं उसके लिए तो सेंटर से ऊपर ऑयल रहेगा, वो दैट वन इज गिव द बेटर लुब्रिकेशन, वो अच्छा लुब्रिकेशन दे सकता है। तो ये गेज है वो चेक करना है, ऑयल का इंडिकेशन अगर आया है तो ऑयल प्रेशर के लिए ये आप ऑयल का लेवल चेक करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसका रिमेनिंग देखिए, इसमें मैंने एक पार्ट कवर नहीं किया, वो है EPS का। अगर EPS का सिंबल आया तो क्या करना है, तो इसका पार्ट 2 वीडियो है, वो मैं रेडी करूंगा, नेक्स्ट अपलोड जो आएगा वो उसका आएगा। तो इस तरह से इसको मतलब ये सारे जो इंडिकेशन है उसका फंक्शंस मैंने बताया कि वो क्यों आता है, वो चीज़ मैंने कवर की है। आई होप सो दिस वीडियो यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।